फायदा? तो इनकी मम्मी रिसर्च करे कितना मार खाए, ये सब बता दो। सोनाक्षी अभी आई है ट्यूशन से पढ़ के। बच्चे परेशान करते हैं, सभी अपने बच्चों को मारते हैं। आप लोग अपने घर में अपने बच्चों को भी मारते होंगे, अगर बच्चे परेशान करेंगे तो हर कोई मारता है। हद से ज्यादा परेशान करते हैं तब तो बहुत बर्दाश्त नहीं होता है फिर, क्योंकि बच्चों को अभी मारेंगे नहीं, अभी नहीं सुधारेंगे तो जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग यही बोलेंगे। सुनते नहीं, हम कुत्तों की तरह भोंकते रहे कि मम्मी पापा ने बच्चों को बचपन में ही ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ये लोग इतने खराब हो गए हैं। तो बच्चों को पूरा ध्यान देना चाहिए, सुधारना चाहिए, हर चीज केयर करना चाहिए। हम तो इतना लोग को चिल्लाते भी है, लेकिन जैसे बच्चों को छूट भी दिए हैं तो ठीक है, छूट दिए हैं तो उस हिसाब से इनको डांट डपट के भी रखना चाहिए, हर चीज की फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, नहीं लोग लापरवाह हो जाएंगे। समझ लेना, अब इनका नंबर आ गया, रिसम मार खाया इनका नंबर आ गया है मैडम का। तो चलिए काफी देर हो गया, हम जाते हैं फटाफट, महाभारत हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम राशन ले आते हैं, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है और ला के भरना पड़ेगा फटाफट। तो चलिए जुड़े रहिएगा, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो फैमिली, मैं राशन लेने जा रहा था, चुप्पे से सोनाक्षी पीछे से घुस गई, देखिए पीछे से झांक रही है, करे पापा मैं भी चलूंगा राशन लेने। मम्मी को बता के नहीं, ट्यूशन से आई और करे पापा मैं भी चलूंगी, और पीछे आके बैठ गए। हम लोग जा रहे हैं राशन लेने। मैं सुबह ट्यूशन क्यों जाती हूँ, क्योंकि ना शाम को मैम को शॉपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ना उनकी बेटी की शादी है। अच्छा, शादी में तुम्हें नहीं बुलाई है? हम क्या करेंगे जाके, खुद ही शादी में जाके डांस करना नहीं। तो चलिए हम लोग पहुँचने वाले हैं। आता ही नहीं है तो डांस में कहाँ से करूँगी। फैमिली हम सब दुकान में आ गए, ये देखिए सोनाक्षी भी आ खड़ी है, और हमारा राशन हो गया सब, इतना राशन लिया हमने। अब देखते हैं बिल कितने का बनता है। हम लोग टाइड सर्फ यूज करते हैं और ये फॉर्चून आता है, इसको यूज करते हैं। सामान बन रहा है, देखते हैं कितने का बिल बनता है। सोनाक्षी अपने जुगाड़ में लगी है, ढूंढ रही है आगे पीछे करके, इधर उधर देख रही है। फैमिली हमारा देखिए सामान बन गया, बोरी बांधा जा रहा है और ये बिल बना है 4,811 रुपए का, तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ कार्ड से। तो फैमिली हम लोगों का सामान हो गया, ये देखिए मैंने सारा राशन ले लिया है और बिल बना है, कितने का बिल बना बेटा? 4,811 रुपए का। और जिस दुकान में हमने सामान लिया, तो ये देखिए हमें प्रसाद भी मिला हुआ, इनके यहाँ भागवत गीता हुआ था गांव में, तो हमें 4-5 लड्डू मिले हुए हैं, 4 लड्डू है, भागवत गीता हुआ था तो हमें प्रसाद मिला हुआ। हमें क्या, जो इनके दुकान पे आ रहा है थोक सामान वामान लेने, उनको सबको मिल रहा है, तो हमारी किस्मत में था हमें भी मिल गया। तो चलिए हमारा सामान हो गया, अब चलते हैं घर। तो फैमिली हम लोग राशन लेके जा रहे थे, इनने सोनाक्षी करे पापा भूख लगा है, पहले कह रहे चाउमीन खाएंगे, मैं बोला चाउमीन मत खाओ, फिर बोल रहे रसमलाई खाएंगे, देखो रसमलाई, तो मैं भी इसी में खा लूंगा, ये भी खा रही है। अच्छा है, नजर लग जाएगा, कह रहे मत दिखाओ नजर लग जाएगा, तो चलिए हम भी खा लेते हैं। बहुत टेस्टी है। तो फैमिली आया था मैं वैक्सीन लगवाने, आज दूसरा डोज लगना था और टाइम हो गया था, तो अभी लंच का टाइम हो गया, बोले 2 बजे आना। तो फैमिली हमारा बेसिन है, और ये देखिए बेसिन का पाइप है, और यहाँ जा रहा है, ये जाली है इसका, और ये जाली खुला हुआ है, यहाँ से कभी भी कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, तो मैंने सोचा इसको कभी ना जाम ही कर दिया जाए, क्योंकि इसमें से एक दो बार कीड़े मकोड़े आ चुके हैं, छोटे छोटे गोजर भी निकल चुके हैं। ये गोजर क्या होता है? हाँ, तो इसको मैं अब जा रहा हूँ जाम करने, ताकि इसमें से निकल ना पाए। तो देखिए मैं सीमेंट भी लाया हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये सीमेंट है, मैं इसको मिला के यहाँ जाम करूंगा। चलिए पहले इसको अच्छी तरह से सफाई करते हैं, ये पूरा इसको साफ करते हैं जो इसके अंदर कचरा उठा है, फिर उसके बाद हम इसको जाम करते हैं। तो ऋषभ यहाँ और सोनाक्षी खड़े होकर देख रहे हैं कि पापा कैसे काम करते हैं, ये लोग सोच रहे हैं पापा हर काम कर लेते हैं ना जी। नहीं, हम वो उसको पानी से लपटेंगे। लपटेंगे मतलब कि उसे घोलेंगे। हाँ। अच्छा, ये लोग भी काम करना चाहते हैं। अभी काम करना, ये तुम लोगों का काम नहीं है बेटा, तुम लोग जाओ पापा को करने दो, अभी काम करना बहुत पसंद है। तो चलिए हम काम करते हैं, और ये लोग खड़े होके देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा। पच पच के।
करेंगे। ये कह रहे पच पच करेंगे, ये लोग भी कुछ इंजॉय करने आ, जैसे कुछ मस्ती कर रहा हूँ मैं। हाँ? मैं काम करने जा रहा हूँ, हम समझ गए। चलो अब तुम लोग हटो, मुझे कुछ काम करने दो। तो फैमिली यहाँ देखिए, पहले मैं नाली की अच्छे से सफाई कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास ब्रश है और इसको अच्छे से साफ कर देता हूँ पहले, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया इसमें से कीड़े वगैरह निकल जाते हैं, गोजर तो रात बिरात कहीं भी घर में जा सकते हैं। तो मैं पहले ब्रश से इसको अच्छा साफ किया हूँ। अब इसको मैं पहले इसको प्रेशर बना के ऐसे कर देता हूँ ताकि जो भी कुछ जमा होगा वो निकल जाएगा बाहर। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे सीमेंट रखा हूँ और मुझसे गिर गया। हाँ, और फिर इसको मैं जाम करके फिर आप लोगों को दिखा। तो फैमिली देखिए हमारा बन गया है। ये देखिए हमने इसको जाम कर दिया है, ये अभी सूखा नहीं है, गीला है। जब सूख जाएगा तब आप लोगों को दिखाएंगे फिर एक बार। तो हमने साइड साइड में भी भर दिया है ताकि सीलन वगैरह हो, यहाँ से ना जाए। तो इसको हमने पूरा जाम कर दिया है, अभी गीला है इसलिए अजीब सा लग रहा है। जब एकदम सूख जाएगा पूरा तब इसको जो साइड साइड में उसको छुड़ाएंगे। तो चलिए सूख जाएगा फिर। हेलो फैमिली, हम लोग कब से मार्केट में आए, हम 1.5-2 घंटे हो गए। और ये देखिए वंदना जी अभी तक भी शॉपिंग कर रही है, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगी, समझ नहीं आ रहा। 1.5-2 घंटे हो गए हमें, कभी इधर लेके जा रहे हैं कभी उधर लेके जा रहे हैं, साथ में ऋषभ भी परेशान हो गया है। ये देखिए बेचारा पता नहीं क्या करेगा, कभी अंदर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, क्या लेंगी समझ नहीं आ रहा है। कितना टाइम लगेगा जी, कह रहे हैं अभी देख रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगाती है, वेट करता हूँ। और घर पर विनय और कोमल आने वाले हैं और उन्होंने सिर्फ मुझे फ़ोन करके बताया और किसी को नहीं बताया है। वो लोग बोले किसी को बताना मत और मैंने उनको भी नहीं बताया है। और वो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो लोग बोले कि हम मार्केट में ही आ रहे हैं। तो मार्केट में ही आ रहे हैं, बोले हम घर नहीं जाएंगे जब आप लोग मार्केट में हैं, तो मार्केट में ही आ रहे हैं। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं वो मार्केट में ही आते हैं या घर में मिलते हैं। अब निकल चुके हैं वो लोग और बोले हैं मार्केट में ही आने के लिए, चलो हम वेट करते हैं और इनका देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमने अपने लिए अभी तक कुछ नहीं लिया, बस इनका ही शॉपिंग हो रहा है, फिर सब का हुआ, इनका हुआ, अभी हाँ मेरा कुछ नहीं हुआ। चलिए हम देखते हैं, जुड़े रहिएगा। कोमल और विनय आ गए हैं और मैडम को नहीं पता है, अब वो लोग आगे चले गए तो फ़ोन किया तो मैं बोला थोड़ा पीछे हूँ, तो वो लोग आ रहे हैं। हम लोगों का शॉपिंग हो गया, देखिए हमने ले लिया, मैडम ने भी ले लिया, तो अपने दुकान पर खड़े हैं, अपने लिए ले रहे हैं सैंडविच। और ऋषभ देखो कुछ देख रहा है, क्या ढूंढ रहे हो? ऋषभ कुछ ढूंढ रहा है खाने पीने का, देखो ये भी नहीं। अब वो लोग आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचे हैं। तो ये देखिए ये लोग आ रहे हैं, आगे चले गए थे, ये लोग सरप्राइज देने आए हमें। ये देखिए खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो जी, जल्दी से खुशखबरी सुना। ये देखो मार्केट देखा ना, अभी हम मार्केट में आते ही बोल रहे हैं हमें भी चाहिए। ये देखो अभी ये खरीद रही है, इन्होंने देख लिया तो कह रहे हैं हमें भी चाहिए ब्लैक वाला, ब्राउन वाला। चलिए पसंद कर रही है, फिर देखते हैं।